नकाबपोश बदमाशों ने बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी को मारी गोली, व्यवसायी की हुई मौत। सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के लखनऊ बलिया राजमार्ग पर उघड़पुर चौराहे के समीप बुधवार देर शाम करीब 5 बजे 3 अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी को गोली मार दी, जिससे व्यवसायी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक व्यवसायी की पहचान भूपेंद्र सिंह उर्फ टिंकू पुत्र राम केवल सिंह निवासी जासापारा थाना गोसाईगंज सुल्तानपुर के रूप में हुई। मृतक व्यवसायी उघड़पुर चौराहे पर रुद्र बिल्डिंग मटेरियल के नाम से गिट्टी मोरंग सीमेंट की दुकान चलाता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय भेजकर विधिक कार्यवाही में जुट गई। उघड़पुर कस्बा पड़ता है, वहां पर एक युवक को दुकान पे जो बैठे हुए थे उसको गोली मारी गई। तत्काल में हॉस्पिटलाइज किया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। घर वालों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि किसी के साथ उनका वाद विवाद था, उन लोगों के ऊपर ही ये आरोप लगा रहे। पुलिस के द्वारा जो शेष विधिक प्रक्रिया है उसको संपन्न किया। सर, इसके पहले भाई की मैं डेढ़ साल पहले इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ था, उसमें सभी लोग जेल भी गए थे। उन लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा जो विधिक कार्रवाई थी संपन्न भी करवाई गई थी। कुछ दिनों पहले भी मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से फायर किया गया था, उनकी तरफ से फायर किया गया, जिसमें गोली भी एक युवक को लगी थी जिनको ये आरोपित कर रहे हैं। तो बाकी जो भी तथ्य हैं उनको हम चेक। सर, व्यवसायी किस किस का व्यवसाय करता था? जी, ये सीमेंट और बालू का व्यवसाय था। दुकान पे बैठे हुए थे, इनका कहना ये है कि वो लोग आए और मोल भाव करने लगे, उसके उपरांत कोई वाद विवाद के दौरान गोली चली है। लेकिन हम सभी तथ्यों को देख रहे हैं, जो भी होगा उसको शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा और जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कठोर कार्रवाई जो भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, बदमाशों की संख्या पता लग पाई किसी से? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हम लोग कर रहे हैं।